वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डन अबाउट परफेक्ट मार्केट एंड मोनोपोली। सो इन दिस वी विल डू अबाउट मोनोपोलिस्टिक मार्केट। सो लेट्स स्टार्ट टू दिस टॉपिक। सी इफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो मार्केट होती है यहाँ पर लार्ज नंबर बाइंग सेलर्स होते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। हम लोग जो प्रोडक्ट उनके होते हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, मीन्स एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली सब्सटीट्यूट नहीं होते। होते हैं थोड़े से सेम सेम बट एकदम बिल्कुल सब्सटीट्यूट नहीं होते, जैसे परफेक्ट मार्केट में होते हैं थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट होती है वो मिक्सचर होती है, इसमें सम एलिमेंट्स होते हैं परफेक्ट मार्केट के एंड सम एलिमेंट्स होते हैं मोनोपोली के। परफेक्ट मार्केट के इसलिए क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, और मोनोपोली के इसलिए क्योंकि इनके पास प्राइसेस के ऊपर कुछ कंट्रोल है। तो अब हम लोग करते हैं कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज दैट नंबर ऑफ सेलर्स इज लार्ज बट नॉट अनयूजुअली लार्ज। मीन्स यहाँ पर सेलर्स तो बहुत से होते हैं बट बहुत बिल्कुल बहुत ज़्यादा भी नहीं होते। मीन्स जनरली जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में 4 or 5 होते हैं। द इम्प्लीकेशन ऑफ हेयर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इज दैट ईच फर्म प्रोड्यूस स्मॉल शेयर ऑफ द मार्केट। मतलब इसमें जो फर्म्स होती हैं वो पूरा मार्केट को कैप्चर नहीं करते, उससे पूरे मार्केट का एक छोटा सा पार्ट लेती हैं, उसमें अपना प्रोड्यूस सेल करती हैं अपना आउटपुट। देयरफॉर फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन कैन रीजनेबली अज्यूम दैट एनी एक्शन ऑन इट्स पार्ट विल अफेक्ट राइवल फर्म। मीन्स यहाँ पर वो लोग कुछ भी अपने आउटपुट में ज़रा सा भी चेंजेस करेंगे प्राइसेस में तो वो दूसरे पे फॉर्म पे अफेक्ट करेगा। दैट्स वाई जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होता है इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें फॉर्म्स होते हैं और वो लोग आपस में डिफ्रेंशिएट और थोड़ा सा सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इट इज़ पार्शली फॉर दिस रीजन दैट फॉर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन आर नॉट प्राइस टेकर, दे सेट देयर ओन प्राइसेस। मीन्स वो लोग प्राइसेस के ऊपर जो फॉर्म्स मार्केट का पार्शली कंट्रोल होता है, मीन्स हाफ लोग प्राइसेस सेट कर सकते हैं। जिस सिचुएशन को एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस बोलते हैं, दैट इज सिचुएशन वेयर प्राइसेस वर सेट बाय डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल फर्म रादर देन बाय इंपर्सनल मार्केट फोर्सेस। सेकंड फीचर्स इज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। परफेक्ट मार्केट में हम लोग ने पढ़ा था कि जो उसका फीचर था परफेक्ट मार्केट का होमोजीनियस, मीन्स वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं बट यहाँ पर डिफरेंट होते हैं, थोड़े से डिफरेंट अलग अलग होते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। मीन्स तो इसमें पढ़ते हम लोग अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन फर्म्स प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हियर ईच फर्म प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट दैट इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर बट नॉट एंटायरली डिफरेंट। मीन्स जो एक फर्म प्रोडक्ट बना रही है वो थोड़ा डिफरेंट होगा उसके दूसरे फर्म में से, लेकिन बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली डिफरेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाई डिफरेंट फर्म्स आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट। मीन्स एक फर्म का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे फर्म के लिए सब्सटीट्यूट बन सकता है बट परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं बनेगा, तो वो लोग होमोजीनियस दैट्स वाई इसलिए नहीं होते हैं। अब डिफरेंट किस कैटेगरी में किस टाइप से होते हैं वो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में भी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टू वेज। मीन वो टू वेज में दो तरीके से वो डिफरेंट हो सकते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट के। फर्स्ट इज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स उनका क्वालिटी, उनका साइज, शेप, डिज़ाइन, कलर, डिफरेंस ऑफ पैकेजिंग, इस टाइप से मीन्स उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो दिखने में कैसा है। सेकेंड इज बेसिक ऑफ कंडीशन सराउंडिंग द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, मीन्स जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर किस जगह पे वो मिल रहा है कंज्यूमर को। मीन्स अगर उसके पास में अवेलेबल है, जो कंज्यूमर है उसके पास में प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो दूर क्यों जाएगा, वो अपने पास वाले ही प्रेफर करेगा। तो इन दो कंडीशंस की वजह से वो डिफर करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ये तो हम लोग ने परफेक्ट मार्केट में पढ़ा था कि यहाँ पर जो फर्म्स होती हैं वो आ सकते हैं, कभी भी एंट्री ले सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो एंट्री एग्जिट करने पे। द इम्प्लीकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन आर ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। एंड यही रीज़न है फ्री एंट्री एग्जिट का कि जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, ना ही लॉस होता है, ना ही अबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेक डिफरेंट टू मोनोपोलिस्टिक मार्केट फ्रॉम परफेक्ट मार्केट इज सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट होती है, इट इज़ अ कॉस्ट विच इज इनकर्ड बाय द फर्म
to promote the sale of its products through various sales proportion measures means selling cost वो firms incur करती है तब जब उसे अपने products के बारे में एडवर्टाइज़ करना होगा कि जो मोनोपोलिस्टिक कॉपरेशन में क्या होता है कि जो फार्म्स बहुत सारी होती है और उनमें कंपटीशन होता है तो उन्हें अपने प्रोडक्ट से अपने हर 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 किसी फार्म को चाहिए कि उसे अपना प्रोडक्ट बेचना है तो उसके लिए उनको एडवर्टाइजिंग करनी होगी, बताना होगा कस्टमर्स को उनका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें जो एडवर्टाइज़ करने में जो कॉस्ट इनकर होती है उसको बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। जो फर्म्स होती हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट में वो सिर्फ प्राइस के बेस पे एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं करती कि किसका प्राइस लो है उसके बेस पे, वो मतलब और भी क्वालिटीज़ देखती हैं कि लाइक उनकी पैकेजिंग कैसी है, एक फर्म की उनका एडवर्टाइज़ करने का क्या तरीका है, वो कितना एक्सपेंडिचर कर रही है अपने प्रोडक्ट्स पे एक्सेट्रा। सो द लास्ट पॉइंट ऑफ क्या इस मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन कैन फॉलो इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। इट कैन इन्फ्लेट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू सम एक्सटेंट। मीन्स दैट अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज अ प्राइस मेकर ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा था कि जो प्राइस होता है वो इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है, इसे मीन्स ये लोग उनके ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस होता है प्राइसिस का, प्राइस को कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पार्शली कंट्रोल कर सकते हैं लोग प्राइस को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ आए। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।